अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC apply। नागपुर महानगर पालिका के सर्वसाधारण सभा में दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को दिए गए आवेदन पर अमल करते हुए गणेश टेकड़ी मंदिर को अपर्यटन क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके चलते मध्य समिति आगामी कार्य की जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। इस समय जानकारी देते हुए समिति के सचिव श्री राम कुलकर्णी ने बताया कि मंदिर में हर महीने संकष्टी चतुर्थी, गणेश जयंती और तिली चतुर्थी, साथ ही साथ मंगलवार को पड़ने वाली अंगारकी चतुर्थी और अन्य त्योहारों पर मंदिर में भीड़ इकट्ठा रहती है। इसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी, नए साल और अन्य सार्वजनिक छुट्टियों पर भी दर्शन के लिए भीड़ रहती है। इसी बीच गणेश जयंती के मौके पर यात्रा शुरू हो गई है। भक्त संकल्प पूर्ति के उद्देश्य से प्रतिदिन दोस्तों और रिश्तेदारों को मंदिर में प्रसाद के लिए आते हैं, जिसके चलते मंदिर को ए श्रेणी का दर्जा देने में मंदिर की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। नागपुर आम तौर पर भारत के केंद्र में है और नागपुर जुड़ा हुआ है। नागपुर रेलवे स्टेशन से भारत के सभी प्रमुख शहरों के लिए रेल मार्ग है और अब पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त अदर्जे के कारण समिति के समक्ष अब निधि का जघन्य प्रश्न सुलझ गया है, जिसके चलते आगे मंदिर का भारी मात्रा में विकास होगा, जब भक्तगणों के लिए भक्त निवास और वाहन हेतु भव्य पार्किंग आदि सभी त्रुटियों को भरने का कार्य किया जाएगा, ऐसा विश्वास श्री राम कुलकर्णी ने व्यक्त किया। हमारे करीब कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी जो है, कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी आई और उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी और करीब महीना भर साथ में बैठ के हम लोगों ने उनके साथ मंदिर की जानकारियां साझा की और उसका परिणाम ये हुआ कि एक कंप्लीट प्रपोजल गवर्नमेंट को अवर्ग तीर्थ क्षेत्रों या पर्यटन स्थल के लिए ये हम लोग बना पाए और 6 महीने पहले कलेक्टर महोदय के यहाँ इस पर मीटिंग हुई और वो उसके बाद में कलेक्टर महोदय ने उसको रिकमेंड किया और सदैव से आज ये दिन आ गया कि महाराष्ट्र शासन ने इसे पर्यटन स्थल और वर्ग का घोषित किया है, उसके लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आभारी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।